पुलिस अधीक्षक महोदय शिवपुरी शाह अमन सिंह राठौर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय शिवपुरी संजू मोले के निर्देशन में एसडीओपी महोदय पिछोर प्रशांत शर्मा के द्वारा गौवंश के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके पालन में दिनांक 20 जून 2024 को सूचना मिली कि पिछोर चंदेरी रोड ग्राम पिपरा पर कुछ लोग एक ट्रक को रोक कर खड़े हैं, जिसने मृत पशुओं के अवशेष है। उक्त सूचना की तस्दीक करते हुए ट्रक क्रमांक UP 93 BT 6752 को कुछ लोग रोक कर खड़े थे। ट्रक में ट्रक चालक व एक अन्य व्यक्ति बैठा था। ट्रक में मृत पशुओं के अवशेषों की तीव्र गंध आ रही थी। ट्रक चालक से ट्रक में भरे हुए मृत पशुओं के अवशेष के बारे में वैध कागजात चाहे गए तो मौके पर कोई कागजात न होना बताया। तब चालक का नाम पता पूछा तो अपना नाम मोहम्मद शेखू पुत्र नूर मोहम्मद मुसलमान उम्र 27 साल निवासी काली माई मंदिर के पास तालपुरा थाना नवाबाद जिला झांसी व पास में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम साबिर पुत्र सेन वक्स मुसलमान उम्र 45 साल निवासी ओरछा गेट के बाहर बिजली घर के पास थाना कोतवाली जिला झांसी उत्तर प्रदेश का होना बताया। ट्रक को चेक किया गया तो ट्रक में मृत भैंस पड़ा और अवशेष मुंडी गर्दन से कटी हुई एवं चपड़ी तथा हड्डी होना पाई गई, जिन्हें क्रूरता पूर्वक काटा गया था। पुनः ट्रक ड्राइवर से ट्रक में अवैध मृत पशुओं के अवशेषों को लेकर जाने के बारे में वैध कागजात चाहे गए तो कोई कागज न होना बताया। आरोपी चालक का यह कृत्य धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम एवं 429 IPC का दंडनीय अपराध पाए जाने से ट्रक एवं ट्रक में भरे हुए मृत पशुओं के अवशेषों को मौके पर ही जब्त किया गया। जब्त ट्रक में मृत पशुओं के अवशेषों की तीव्र गंध आने की वजह से ट्रक को रहवासी क्षेत्र थाने पर खड़ा करने से आम लोगों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ने की वजह से ट्रक व ट्रक से भरे हुए मृत पशुओं के अवशेषों को न्यायालय के अग्रिम आदेश तक सुरक्षार्थ रखने हेतु रहीस पुत्र मेंबर मुसलमान उम्र 23 साल निवासी बाहर ओरछा गेट झांसी जिला झांसी उत्तर प्रदेश को सुपुर्द किया गया। वापसी पर अपराध क्रमांक 100/2024 धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम 429 भादवी कायम कर वेचना में लिया गया। शिवपुरी ब्यूरो अतुल जैन की।